हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही हरी भरी और प्रोटीन से भरी मटर की इडली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करने से आपको सबसे पहले मेरी वीडियो फ्री में देखने मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलना। तो ये मटर इडली बनाने के लिए हमें चाहिए मटर। तो मैंने अराउंड 200 ग्राम मटर लिए हैं जिनको अच्छे से वॉश कर दिया। ये गाइस, ये फ्रोजन मटर नहीं है, ये फ्रेश मटर है। उसके बाद हम लेंगे 3 हरी मिर्च, ये तीखी वाली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1.5 इंच का अदरक और धनिया के पत्ते, ठीक है, धनिया के पत्ते हैंडफुल ले लो, ठीक है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मिक्सी जार में मटर, धनिया, अदरक और मिर्ची थोड़ी कट करके डाल देना। फिर इसमें डालो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के एक फाइन पेस्ट बना लो। दरदरा नहीं रखना है, फाइन पेस्ट करना है। तो देखिए हमारा हरा हरा मटर का पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है। तो एक बड़ा सा बोल ले लो और उसमें अब हम लेंगे सूजी, ठीक है। तो 1.5 कटोरी सूजी, जिस कटोरी से मटर लिए थे उसी कटोरी से 1.5 कटोरी सूजी लेना, बारीक वाली सूजी। और फिर उसमें जो हमने मटर का पेस्ट बनाया था वो आप डाल दो इसमें। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। तो जिस कटोरी से मटर लिए थे वही कटोरी भर के 1 कटोरी दही लेना है। उसमें से अभी मैं आधी कटोरी अभी डाल रही हूँ, आधी मैं बाद में डाल दूंगी। और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लो। गाइस, क्या आपको पता है कि मटर में ना हर तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है, और इसमें अच्छे अमाउंट में फाइबर भी होता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हमें इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए जो मिक्सी जार में मटर पीसे थे उसी में थोड़ा सा पानी डाल के आप इसमें ऐड कर दीजिए, और जो बचा हुआ दही था वो भी मैंने अभी इसमें डाल दिया, और सबको एक अच्छा सा मिक्स दे दो। गाइस, मटर रेगुलरली खाने से कैंसर का रिस्क कम होता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अब हमें इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है हम इडली के मोल्ड को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ठीक है, इडली का मोल्ड ले लो और उसको ब्रश से अच्छे से ऑयल लगा लो, या आप उंगलियों से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा साइड में भी लगा देना ताकि जब बैटर अगर वहाँ जाए तो चिपके ना। तो देखिए 20 मिनट हो गए और हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। जब भी आप सूजी यूज़ कर रहे हो तो उसको रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से फूल जाती है। आप आधे घंटे तक इसको रेस्ट दे सकते हो। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक ज़बरदस्त सा तड़का, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो तड़के में मैंने डाले हैं मस्टर्ड सीड्स और बारीक चॉप करके कड़ी पत्ते। गाइस, इससे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और इतना फ्लेवरफुल हो गया था ना ये बैटर कि क्या बताऊँ। आप लोग भी ये ज़रूर डालना, ठीक है। बस तेल को गर्म करो, उसमें थोड़े से मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाने और कड़ी पत्ते डाल दो, और उनको थोड़ा गर्म करके आप बैटर में डाल दो। और कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें अराउंड 1/2 कप पानी और डालो, क्योंकि इसको रेस्ट दिया था तो सूजी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया और ये बहुत गाढ़ा हो गया। फिर इसके बाद इसमें आप नमक भी टेस्ट करना, और अगर आपको कम लगे तो आप और नमक डाल देना। मुझे थोड़ा सा कम लगा था इसलिए मैंने और डाल दिया। तो देखिए अभी हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है। अगर आपके पास इनो है तो आप इनो भी डाल सकते हो, क्योंकि ये इंस्टेंट है, हम इसे फर्मेंटेशन के लिए नहीं रख रहे, तो इसलिए हम इसमें सोडा डाल रहे हैं। अगर आपको सोडा और इनो कुछ नहीं डालना है तो आप इसको रात भर फर्मेंटेशन के लिए रख देना, ठीक है। बस थोड़ा सा अराउंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और उस पर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करो, और बस इसके बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं रखना है। इडली मोल्ड्स में सारे बैटर डाल दो आप, और इसे हमें फिर स्टीम करने के लिए रख देना है। तो हमें इसे अराउंड 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम देना है। तो गाइस देखिए 12 से 15 मिनट हो गए हैं और हमारी इडलियाँ कैसी मस्त ज़बरदस्त सी फूल चुकी हैं। और गाइस ये बहुत ही डिलीशियस लगती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और गाइस
बैटर थोड़ा सा बच गया था, तो उसका मैंने सोचा कि मैं थोड़े से अप्पे बना देती हूँ। एक ही बैटर से आप इडली भी बना सकते हो और अप्पे भी बना सकते हो, और गाइस आप इसके उत्तपम भी बना सकते हो। तो एक ही बैटर के बहुत सारे फायदे हैं, तो आपको जो पसंद आए आप वो बना सकते हो, इडली, अप्पे, उत्तपम, जो भी। तो मैंने थोड़े इडली बना दिए और जो बैटर बचा था मैंने उसके अप्पे बना दिए। तो अप्पे पैन को ग्रीस करो, बैटर डाल दो, 3 से 4 मिनट के लिए उसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने दो। देखो कैसे फूल गए हैं हमारे अप्पे, और ऊपर से थोड़ा सा ब्रश से ऑयल लगा देना और इन सब को पलट देना। तो केयरफुली सारे अप्पे को पलट दो, और फिर पलटने के बाद भी इन्हें 3 से 4 मिनट अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पे पकने दो। तो गाइस कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, ज़रूर ट्राई करना गाइस, मेरे को तो ये नॉर्मल उड़द दाल वाली इडली से भी ये वाली इडली काफ़ी अच्छी लगी थी, जो तड़के से ना इसमें ज़्यादा ही टेस्ट आता है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना, सॉफ्ट एंड फ्लफी इंस्टेंट मटर की इडली। और अगर आपको सोडा या इनो नहीं डालना है तो आप इसको फर्मेंटेशन के लिए भी रख सकते हो। और गाइस इसके अप्पे भी बहुत ही डिलीशियस लगते थे। तो गाइस ज़रूर शेयर करना अपने सब फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये रेसिपी देखें और ट्राई करें। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और फ्री में देखने मिले। गाइस मैंने बहुत सारे डोसा रेसिपीज़ भी शेयर किए, आप वो भी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।